नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अल्ट्रा हिंदी में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। यह है हमारा बहुत ही स्पेशल सेगमेंट पिक्चर की कमाई या पिक्चर की पिटाई। इस हफ्ते रिलीज हुई है फिल्म रामन राघव 2.0। 2.0 का क्या मतलब, आप फिल्म देखोगे तो समझ में आएगा आपको। लेकिन सवाल यह है कि इस फिल्म को आप देखें तो क्यों देखें, नहीं देखें तो क्यों ना देखें। देखिए साहब, अनुराग कश्यप साहब की फिल्म बॉम्बे वेलवेट का क्या हाल हुआ था ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन वापस आए हैं अनुराग कश्यप लौटकर उसी डार्क सिनेमा में। अगली आपको याद है अगली में किस तरह की डार्कनेस थी ना, एकदम स्याह कहानी, कुछ वैसा ही रामन राघव के साथ भी है। रामन का किरदार निभाया नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने और राघव बने हैं विकी कौशल। पुलिस वाला और एक कातिल, एक साइकोपैथ, उसके बीच चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है। खून खराबा है, बैकग्राउंड स्कोर कमाल है, और खून खराबा भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत देर तक वहाँ पर बिठा कर रखा है। जैसे हुआ तो बस आगे बढ़े भाई साहब। हाँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी पूरी तरह से इस किरदार में उतर गए हैं। लेकिन क्या है कि अगर इसी तरह के किरदार इन्हें देते रहे तो फिर जिस तरह की वर्सटैलिटी नवाज में है वो शायद खो जाएगी, ये डर ज़रूर लगता है। लेकिन अनुराग कश्यप साहब ने एक बार फिर साबित किया है कि यार, स्क्रीन प्ले अगर थोड़ा टाइट हो तो फिल्म सबको समझ में आती है और पसंद भी आती है। इस फिल्म को आप एक मौका ज़रूर दे सकते हैं। हाँ, साइकोपैथ की कहानी है, वो कितने लोगों को मारता है और असली साइकोपैथ पर आधारित है, तो बाकी डर तो लगता है, छोटा सा बच्चा भी है, बड़ा भी है, ये सारी चीज़ें देखते हैं तो थोड़ा सा दिल दहल सा जाता है। लेकिन फिल्म की कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है और फिर एक जगह पे जाके फंसती है जहाँ पर सिर्फ चूहे बिल्ली का खेल है। एक तरफ पुलिस वाला जो है वो भी उतना ही ब्रूटल है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं कि पुलिस वाला कितना ब्रूटल हो सकता है, साइकोपैथ कितना ब्रूटल हो सकता है, और उसके बीच में कहीं कोई फिलॉसफी ढूंढने की कोशिश की गई है। पर इन सारी चीज़ों को आप ज़्यादा ध्यान ना दें, बस इतना ध्यान दें कि ये थ्रिलर है और वाकई यू फील थ्रिल्ड जब आप इस फिल्म को देखते हैं। बैकग्राउंड स्कोर के बारे में बात कर चुका हूँ, इस फिल्म को आप एक मौका ज़रूर दें। दोस्तों के साथ जाके इस फिल्म को देखें तो शायद ज़्यादा मज़ा आएगा, परिवार के साथ कुछ ज़्यादा कहा नहीं जा सकता क्योंकि उस तरह का एंटरटेनमेंट है नहीं, वो फैमिली एंटरटेनमेंट इसमें बड़ों के लिए पिक्चर है और बड़े लोग ही जाकर इस फिल्म को देखें। अगर आपको खास तौर पे ये साइको थ्रिलर्स पसंद है तो आप तो जरूर जाकर इसे देखें। कैसा लगता है आपको हमारा स्पेशल सेगमेंट पिक्चर की कमाई या पिक्चर की पिटाई, ये आप हमें ज़रूर बताएं और हमें सुधारें, हमें डांटें, अपने कॉमेंट्स हम तक पहुँचाएँ। जितना आप सुधारेंगे उतना हम सुधरेंगे। डू सब्सक्राइब अल्ट्रा हिंदी।